लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुखिया राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो नई यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने सोमवार को भारत जोड़ो नई यात्रा दूसरे दिन इम्फाल के सेकमई से शुरू की। इस दौरान उन्हें बधाई देने के लिए रास्ते भर लोग इकट्ठा होते दिखाई दिए। कांग्रेस नेता ने वोल्वो बस में यात्रा की शुरुआत की। बाद में राहुल ने कुछ दूरी तक पैदल भी यात्रा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। यात्रा मार्ग के किनारे कई लोग खड़े दिखाई दिए। उन्होंने राहुल की बस के व्यस्त इलाके से गुजरने पर उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शिविर स्थल पर सेवा दल द्वारा पारंपरिक ध्वजारोहण किया गया। मणिपुर के PCC अध्यक्ष ने झंडा फहराया। जयराम रमेश ने कहा कि यात्रा सेकमई से कांगपोकपी और फिर मणिपुर के सेनापति होते हुए रात में नागालैंड में रुकेगी। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कहा कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं आए। हर कोई चाहता है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठाएं और पीएम मोदी को मणिपुर आने और लोगों से मिलने के लिए कहें। लोग यहाँ सड़क पर खड़े हुए हैं, कुछ लोग छत पर खड़े हुए हैं, पर सब लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि राहुल जी आप तो आए हैं, आपका स्वागत है, पर प्रधानमंत्री 8 महीने से क्यों मणिपुर को आने का कष्ट नहीं किया होगा। जयराम रमेश ने कहा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग जमा हुए हैं। राहुल ने उन लोगों का दर्द सुना जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं और जो अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि हिंसा प्रभावित राज्य में हर कोई मजबूत सरकार चाहता है। पिछले 8 महीनों से यहाँ कोई शासन नहीं है। यहाँ 2 मंत्री ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वे मणिपुर में भी नहीं आए हैं। हर कोई एक सरकार चाहता है, एक संवेदनशील सरकार और एक मजबूत सरकार। ये भी सवाल है कि आपके पास जनादेश है, आपकी पार्टी यहाँ और दिल्ली में सत्ता में है। आप खुद को डबल इंजन की सरकार मानते हैं, फिर भी लोग दर्द में जी रहे हैं। बता दें कि रविवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर के थौबल से यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस दौरान राहुल ने कहा था कि मणिपुर के भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और भारत के प्रधानमंत्री आज तक आपके आंसू और आपसे गले मिलने नहीं आए, ये शर्म की बात है। यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं 2004 से राजनीति में हूँ। मैंने भारत के ऐसी जगह का दौरा किया है जहाँ शासन का पूरा बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया है। 29 जून को राज्य का दौरा करने के बाद मणिपुर अब मणिपुर नहीं रहा, यह विभाजित हो गया है। हर जगह नफरत फैली हुई है, लाखों लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को खो दिया। हम यहाँ आपकी बातें सुनने और आपका दर्द साझा करने आए हैं। बता दें कि मणिपुर में हिंसा को लेकर के जिस तरह से राजनीति हुई थी, उसके बाद से मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना कांग्रेस के पक्ष में कितना जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। Video Desk NBT Online.